गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स वाला गर्ल और मैं हूँ कांक्षा। आज की वीडियो अगेन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हैक्टिक हो गया है कि एज से पहले ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी होने लगी है। एज से पहले प्रीमैच्योर एजिंग हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगती है, हमारी स्किन डल होने लगी है और बहुत सारे टीनेजर्स के मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं कि दी हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होने लगी है, हमारी आंख के नीचे बहुत ज्यादा ब्लैक गड्ढे हो गए हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खान पान से रिलेटेड है और इसी वजह से आजकल हम सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हैं बहुत ज्यादा। और सप्लीमेंट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे से ये सारी की सारी कमी को पूरा भी करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल सकती हूँ कि वाकई में सप्लीमेंट्स काम करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स का सही फायदा लेने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सप्लीमेंट्स को सही तरीके से लेना, सही टाइम पे लेना, ताकि आपकी बॉडी को उसका पूरा फायदा भी मिले और उसके कोई निगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना दिखाई दे। क्योंकि कभी कभी कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि टाइम का अगर आप अंतर कर दें तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव इफेक्ट आपको अपनी बॉडी में दिखाई देने लग सकते हैं। कभी कभी अगर आप टाइमिंग बदल दें कुछ सप्लीमेंट्स की तो हो सकता है आपको सीवियर या फिर माइल्ड हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़े। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सप्लीमेंट आपको किस टाइम लेना चाहिए। और अगर आप सप्लीमेंट्स में अभी नए हैं, जस्ट अभी आप कोई सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या सही प्रोसीजर है कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं उस बॉक्स पे मेंशन रहती है उसकी प्रिस्क्राइब्ड डोज, तो उस पे आप आराम से भरोसा कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो। लेकिन स्टार्टिंग में आप प्रिस्क्राइब्ड डोज ना लेके उस डोज को थोड़ा सा कम लें और 8-10 दिन कम डोज लेके आप ऑब्जर्व करें कि उस सप्लीमेंट के साथ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप 8-10 दिन बाद उसकी प्रिस्क्राइब्ड डोज स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आपको किस टाइम लेना चाहिए। बात करना चाहूंगी कोलेजन से, क्योंकि कोलेजन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोलेजन एक चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी है, बहुत ही ज्यादा एक असेंशियल सप्लीमेंट है जो 20s में अगर आप हैं या फिर लेट 20 में हैं या फिर लेटर एज में हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कोलेजन रिच जो फूड होते हैं उन्हें डेली बेसिस पे लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक एज के बाद आपको कोलेजन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप अपनी एज को डिले करना चाहते हैं, अपनी स्किन में इलास्टिसिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो। कोलेजन आपको या तो खाली पेट मॉर्निंग में ले या फिर डिनर के बाद रात में ले, तो ये दो एकदम सही टाइम है कोलेजन के। कोलेजन के साथ आप किसी भी टाइप का विटामिन बी वाला सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि आप हेयर विटामिन्स ले सकते हैं, आप बायोटिन ले सकते हैं, यानी कि कोलेजन के साथ आप कोई और सप्लीमेंट आराम से ऐड कर सकते हैं। कोलेजन के साथ इवन आप प्रोटीन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन रिच जो सोर्स होती है वो बहुत कम होती है और डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को एज के साथ जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है ना उतना आपको फूड या डाइट से नहीं मिल पाता। प्रोटीन का जो सही टाइम है वो है या तो आप ब्रेकफास्ट में मिल्क में थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर मिला के लें, या फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या फिर घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद लें, चाहे वो इवनिंग हो चाहे वो मॉर्निंग हो। तो ये हो गया प्रोटीन का तरीका। अब बात करना चाहूंगी स्किन से रिलेटेड जो विटामिन होते हैं उन्हें आपको किस टाइम लेना चाहिए, जैसे कि ग्लूटाथियोन हो गया या फिर कोई और स्किन से रिलेटेड जो आपके विटामिन आते हैं आजकल मार्केट में, उन्हें आप उनका सही फायदा उठाने के लिए आपको जरूरी है कि उन्हें आप खाली पेट मॉर्निंग में लें। अगर आप स्किन विटामिन या फिर स्किन से रिलेटेड कोई कैप्सूल या फिर टैबलेट मॉर्निंग में ले रहे हैं तो कोलेजन को आप रात में शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेयर रिलेटेड जो आपके सप्लीमेंट है उन्हें आपको किस टाइम लेना चाहिए। कोई भी हेयर रिलेटेड सप्लीमेंट आप हमेशा मील के बाद लें, ब्रेकफास्ट के बाद लें या फिर लंच के बाद लें।
तो मील के बाद आप हेयर रिलेटेड सप्लीमेंट लें, क्योंकि हेयर से रिलेटेड विटामिन्स को मॉर्निंग में लेने के बाद मैंने उसके कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किया है। इसीलिए हेयर रिलेटेड जो सप्लीमेंट होते हैं उनका सही टाइम यही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हो सकता है बॉक्स पे कुछ और मेंशन हो और आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किया है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हेयर रिलेटेड जो आपके सप्लीमेंट है उन्हें आप मील के बाद लें। मल्टीविटामिन्स की बात कर लेते हैं। मल्टीविटामिन्स आप हमेशा मॉर्निंग में लें, ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप हेयर विटामिन को लंच के बाद ले सकते हैं। अगर आप फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो उसे आप हमेशा मील के साथ लें। उसका सही टाइम यही है कि आप उसे डिनर के बाद लें। और ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे आपको दूध के साथ नहीं लेना। ओमेगा 3 या फिर विटामिन ई यानी कि जो फैट सोल्यूबल आपके विटामिन्स होते हैं उन्हें आप तुरंत मील के बाद लें, और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डिनर के बाद लें। तो आई होप कि इससे आपको फायदा मिला होगा। तो वापस से मैं एक बार आपके लिए समराइज करना चाहूंगी, कोलेजन या तो आप खाली पेट मॉर्निंग में लें या तो इवनिंग में लें। अगर आप कोई स्किन से रिलेटेड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे आप मॉर्निंग में खाली पेट लें। अगर आप स्किन से रिलेटेड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोलेजन को आप रात में शिफ्ट कर सकते हैं। हेयर रिलेटेड सप्लीमेंट को आप मील के बाद लें, मॉर्निंग में या तो ब्रेकफास्ट के बाद या तो लंच के बाद। प्रोटीन को आप या तो मॉर्निंग में लें दूध में मिक्स करके यानी कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद लें दूध में मिक्स करके। फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उन्हें आप मील के तुरंत बाद लें, लेकिन दूध के साथ उन्हें मिक्स ना करें। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप फिश ऑयल किस टाइम लें, मल्टीविटामिन किस टाइम लें, बायोटिन के साथ आप हेयर विटामिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट के साथ आप कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और अगर आप ये सप्लीमेंट्स गलत टाइम पे लेते हैं या फिर गलत मिक्स एंड मैच कर देते हैं तो हो सकता है आपको माइल्ड या तो सीवियर स्किन इशू या फिर हेल्थ इशू फेस करने पड़े। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ये सारे के सारे सप्लीमेंट लेते आई हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सा सप्लीमेंट कौन सा बेस्ट टाइम होगा लेने का। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।